उसका जुनून तूने देखा है संजू को लेकर, वो किस हद तक जा सकती है इसके लिए? नहीं ताई जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। And I'm sure कि उसे ये तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि मेरा उसका क्या रिश्ता था। और बात रही वो आरोप लगाने की, तो नीति कभी भी झूठा आरोप नहीं लगाएगी शैली के ऊपर। जरूर शैली ने कुछ किया होगा, तभी नीति की हालत ऐसी थी। हालत का क्या है, हालत तो बनाई भी जा सकती है। नीति ना बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन लेकिन चंद्रिका, कोई भी लड़की अपनी इज्जत को लेकर झूठ नहीं बोलती। हाँ मैंने माना कि मधुलिका जैसी लड़कियां भी होती हैं, लेकिन नीति नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा भूल गए, नीति वही लड़की है जिसने परी को रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान लेने की कोशिश करी, एक बार नहीं कई बार। वो परी को संजू की लाइफ से हटाने के लिए ना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकती है। तुम चाहे नीति की साइड लो, लेकिन मुझे शैली की बात में कुछ तो सच्चाई लग रही है। शैली की बात में ना जरा भी सच्चाई नहीं है, और मेरी नीति झूठ नहीं बोल सकती है। मैं नीति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ताईशेव, नीति अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल चुकी है, वो भला ये झूठ क्यों बोलेगी? नहीं ताईजी, नीति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पहले भी तो उसने, ताईजी माना उसने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मेरी नीति वो मधुलिका जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ उसे, बहन है वो मेरी, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। चंगी तरह जानती हूँ पुत्र, नीति तेरे लिए क्या है, और मैंने भी नीति से कोई जाति दुश्मनी या शिकायत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इतनी मुसीबतों के बाद जो खुशी के पल तुम लोग की जिंदगी में आए हैं वो फिर से कोई छीन ले। मैं नहीं चाहती कि कोई तीसरा फिर से तुम्हारे बीच में आए। और एक गल पुत्र, ध्यान से सुन, इंसान अस्तीन का साम कर में ही पालता है। और पति भी तो अपने से नागिन को लेके जिंदगी भर घूमता ही है ना। हमें तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम हर सीरियस बात को मजाक में ले लेते हो और हर मजाक बात को सीरियस बना देते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, बोल क्या कह रही थी? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर शैली और शारदा आंटी की बात में कुछ सच्चाई हुई तो, अगर सच में नीति ने शैली को फंसाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगाया हो तो। अरे नीति ऐसा क्यों करेगी, उसने खुद ही तो शैली के साथ शादी करने के लिए हाँ बोला। वो कुछ भी कर सकती है अमित, हम सब जानते हैं कि नीति संजू से कितना प्यार करती थी। हो सकता है कि वो प्यार आज भी उसके दिल में जिंदा हो, और हो सकता है कि वो आज भी शैली से ज्यादा संजू को चाहती हो, और शैली को खुद से दूर करने के लिए उसने ये झूठ बोला। खैर खैर, नीति कुछ भी करे, आई डोंट केयर, मुझे उससे क्या। लेकिन लेकिन मुझे तो ना परी की फिक्र हो रही है। मुझे नहीं पता था जी, लेकिन मेरी नीति के साथ ना बहुत गलत हुआ है, और वो शैली, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने नीति की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो ऐसे आसानी से बच के नहीं जाना चाहिए। परी बिल्कुल सही कह रही है ताई जी, शैली को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। है सब ठीक है पुत्र, लेकिन शारदा जी और शैली ने जो बातें कही है उस पर सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे थे ताई जी। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। काश ये मेरे मन का वहम ही हो, और नीति ने जो कुछ भी कहा वो सच निकले। तुम्हारा खेल खत्म नीति जुनेजा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूँगा। आवाज नहीं, अगर एक शब्द में मुंह से निकाला ना तो सुबान काट के हाथ में दे दूंगा। शैली दूर रहो मुझसे। शैली क्या कर रहे हो? बोला ना, आवाज नहीं। चुप। शैली प्लीज ये सब कुछ मत करो, देखो तुम ऑलरेडी मेरी इज्जत। शट अप। शट अप नीति, दुनिया मैंने भी देखी, हर तरह के लोगों से मिला हूँ, अच्छे बुरे सब, लेकिन तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और हाँ, रही बात तुम्हारी इज्जत की, तो उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी, तजिया उड़ा दी मेरी इज्जत की, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेबी। क्या कर रहे हो तुम? किसे
इज्जत से खेलना क्या होता है आज तुम्हें पता चलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज 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 मत करो, प्लीज। डोंट वरी डार्लिंग, आई एम गोना लव यू टुनाइट। नहीं नहीं प्लीज, दूर हटो मुझसे, प्लीज दूर हटो। नीति बोला था, शोर मत मचाओ, समझ में नहीं आ रहा? आई नो, तुम बस मुझे डरा रहे हो ना, तुम बस कुछ नहीं करोगे। ओ रियली, इतना कॉन्फिडेंस? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम बोलो तो अभी अच्छा तुम्हारे सीने में डाल देता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। चुप हो जाओ नीति, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा तुम्हारा, पता नहीं चलेगा कि इस कमरे में क्या हुआ तुम्हारे साथ। परी, परी, क्या हुआ? हाँ? राजीव, राजीव मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कैसा बुरा सपना, क्या हुआ? राजीव मैंने देखा कि शैली ने नीति को, नीति सेफ नहीं है राजीव, मैं परी, 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 तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा, रिलैक्स, नीति बिल्कुल सेफ है, शैली तो कब का जा चुका है, उसकी हिम्मत नहीं है वापस आने की। रिलैक्स, शांत, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं हूं ना, सब ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये लो ये लो ये लो ये लो, पानी पियो पानी पियो पानी पियो पानी पियो। और परी, तुम्हें ना ये स्ट्रेस लेना थोड़ा कम करना होगा, प्रेगनेंसी में बिल्कुल अच्छा नहीं है, बच्चे और तुम पे दोनों पे आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम इधर आओ, इधर आओ, ये चलो। आंखें बंद करो, परी, तो भी इस आम की गुठली की तरह ही है, एकदम यूजलेस। जैसे लोग आम खाने के बाद गुठले को कचरे में फेंक देते हैं ना, वैसे तू भी बहुत जल्द इस घर से निकाल के फेंक दी जाएगी। मुझे तो ये पसंद है, रस से भरा हुआ मेरा प्यारा सच्चू। ड्रामा क्वीन कहीं की आई होगी मेरे सामने अपने आंसू बहाने के लिए, रोएगी ना जैसे कि दुनिया भर की परवाह इसे ही है मेरी। जब संजू को मुझसे छीना था तब कहां गई थी इसकी परवाह? यहां तो कोई भी नहीं। जरूर परी ही है, बचपन में चेयर अप करती थी मुझे, वैसे ही छुपन छुपाई खेल रही है। अब ना बचपन रहा है और ना ही वो बेवकूफियां, फौड़ में जा तू परी।
परी, तू है क्या यहाँ पर? परी, चलो अच्छा है, कोई नहीं है, कम से कम रोने की एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आराम से आम खाऊंगी। दूसरों का जीना हराम करके यहां आराम से हम खा रही हो? बहुत खा लिया, अब बाद में आम खाना, अगर खाने लायक बची तो। राशिफ, परी, राशिफ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं एक बार जाके नीति को देख लेती हूँ, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है उसकी। जाओ मिलाओ नीति से, कम से कम उसके बाद तुम चैन की नहीं तो सो पाओगी। मैं अभी आती हूँ। शैली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे लेकिन तुम डर क्यों रही हो? तुम तो बहुत बहादुर हो ना। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें किससे डर लग रहा है? तुम्हारे एक्स मंगेतर से या तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने वाले शैतान से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे तक पहुंचने की? देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको बुलाऊंगी। किसी को बुलाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। सीर चल गई लेकिन पल नहीं निकला। इतना बुरा हुआ है तुम्हारे साथ लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक आ गए। डोंट वरी, अब तुम सीधा जेल ही जाओगे। मैंने आज तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल ना भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी नीति चुने जाने। अरे दी, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और थोड़ी भूख भी लग रही थी तो किचन तक गई थी। लेकिन तू क्यों नहीं सोई? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं नीति की ना बहुत टेंशन हो रही थी तो सोचा एक बार जाके देख लूं। अच्छा किया, नीति के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था, मुझे भी बुरा लग रहा है उसके लिए। पर शैली ये सब कर सकता है ये सोच के तो और भी अजीब लग रहा है। शैली और शारदा आंटी ना मुझे बहुत ही सेंसिबल और समझदार लगते हैं, पता नहीं मेरा मन ही नहीं मान रहा कि शैली ऐसा कुछ कर सकता है। पर उसने ऐसा किया है दी, नीति झूठ क्यों बोलेगी? वो तो शैली से शादी करना चाहती थी। कोई भी लड़की किसी लड़के पर इतना झूठा इल्जाम तो नहीं लगा सकती ना। अब आप मधुलिका की बात मत करना, वो मैटर ही अलग था। मधुलिका के और नीति के केस में कुछ भी सेम नहीं है, सब अलग है। एक बात बोलूं अगर बुरा ना माने तो, मधु और नीति के केस में भी सारी चीजें सेम हो सकती है। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रुको अभी सबको बुलाती हूँ मैं। अब बुलाओ जैसे बुलाना है, मैं भी तो देखूं कि कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। शैली, ये ना तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, प्लीज लीव मी, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। पछता तो रहे हूँ, पहले तो शक था लेकिन तुम्हारे वॉइस नोट सुनने के बाद यकीन में बदल गया। जो तुमने किया है ना नीति, वो करने के बाद तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो परी, परी तुम्हारी दोस्त है, अरे वो तुम्हें दोस्त से बढ़कर मानती है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम उसके पति पे डोरे डाल रही हो? क्यों 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 कर रही हो ऐसा? होते कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाले? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? मत बताओ, लेकिन इसे तो बताना पड़ेगा ना। बोलो। मुझे सच्चू बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा ये कहने में दैट आई लव हिम। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी। डायन के बारे में सुना जरूर था लेकिन अब पहली बार अपनी आंखों से एक डायन देख रहा हूं जो बहन बनके अपनी बहन का घर खाने में लगी हुई है, उसका पति छीनने की कोशिश कर रही है। अरे नीति, इससे नीचे और क्या गिरोगे तुम? और तुम्हें
मैंने दुनिया में और कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए, वो संजू ही मिला। शेम ऑन यू नीति, शेम ऑन यू नीति, शेम ऑन यू। चुप करो। प्यार बस प्यार होता है, देख के नहीं किया जाता। और मैं सच जानना था ना, जान लिया सच। गेट आउट। लीव। क्या कहा? ऐसे कैसे गेट आउट? सबके सामने तुमने मेरी धज्जियां उड़ाई थी, मेरी इंसल्ट करी थी, मुझे मॉन्स्टर डिक्लेयर कर दिया। उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, है ना? चलो चुपचाप चलो। हे, क्या बोल रहे हो आप? मधुलिका और नीति के केस में कुछ भी सेम नहीं है। माना नीति ने पहले बहुत गलतियां की हैं मेरे और राजीव के रिश्ते को तोड़ने के लिए, इस बच्चे को मारने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया उसने, लेकिन अभी चीजें बहुत अलग है। नीति किसी निर्दोष इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? उसकी इज्जत लूटने का इल्जाम, इसमें उसकी खुद की भी तो इज्जत खराब हो रही है ना दी। अरे मैं ये नहीं कह रही कि तू गलत है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि नीति जैसी लड़कियां ना कुछ भी कर सकती है। देख, नीति को इस घर में रुकने के लिए अपनी शादी कैंसिल करना जरूरी था, और शादी कैंसिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा और परफेक्ट रीजन होना चाहिए था। वो इस घर में रुकेगी तभी तो वो संजू के करीब जाने का मौका ढूंढ पाएगी। बाकी तू खुद समझदार है परी। मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, एक शब्द नहीं। चलो। शैली, शैली तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चुप, चुप, चलो, चलो, चलो। शैली, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। देखो, अगर संजू को पता चला ना तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। क्यों मारेगा? वो भी तो तुम्हारे साथ मिलके परी को धोखा दे रहा है। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ इस पे। नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगी बोलो। कह रही हूँ मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? अभी तो मेरे नाम की अंगूठी भी तुम्हारे हाथ में है, और वैसे भी इतना बड़ा सरप्राइज जो दिया तुमने मुझे, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगा। ये तो नीति की आवाज है। आज तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती, आज तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने ला के रहूंगा। शैली ने सबके सामने अगर मेरी सच्चाई बकती तो संजू की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाऊंगी, और मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, संजू के साथ फिर से शादी करके घर बसाने का। शैली, ए, फिर आ गया। कोई बात नहीं, तू आ तो गया लेकिन वापस नहीं जाएगा। छोड़ नीति को, मैंने कहा छोड़ नीति को। दूर, दूर, ए, दूर रह। राजीव, मैंने तुम्हें कहा था ना नीति किसी मुसीबत में। शैली देखो, मैं बात कर रहा हूं ना, एक सेकंड। शैली प्लीज, नीति को छोड़ दो प्लीज। देखो, नीति को छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। चुप। अरे तुम चुप हो जाओ। अरे तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी ये दोस्त, ये लड़की नहीं है, नागिन है, नागिन। एक नंबर की धोखेबाज है ये। झूठ बोल रहा है ये परी। ए! तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं। तुम धोखा दे रही हो इन सबको। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसने मुझे तो धोखा दिया ही दिया, मुझे चीट भी किया, लेकिन यहाँ सब लोगों को धोखा दे रही है। कितना प्यार किया था मैंने इससे, इसने क्या किया? मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे चीट किया, वो भी किस लिए? क्योंकि ये संजू से प्यार करती है। इससे, हाँ, इसे पसंद करती है ये। संजू की वजह से मेरा और नीति का रिश्ता खराब हुआ है। इनफ शैली, कम से कम एक लड़की की इज्जत करना सीख। और मेरे और नीति के बीच में कुछ नहीं है, अगर तेरा रिश्ता खराब हुआ है तो तेरी वजह से हुआ है। मेबी, तू सही कह रहा है, तेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, बट ये इसकी तो जान बसती है तुझ में। तभी तो हर वक्त तेरे आस पास मंडराती रहती है। क्यों? क्योंकि प्यार करती है ये तुझसे संजू, प्यार करती है। और हाँ, अरे तुम, अरे तुम बहुत भोली हो यार, तुम सबको अपनी तरह समझती हो, लेकिन ये तुम्हारी, ये दोस्त, दोस्त नहीं, दोस्त की शक्ल में तुम्हारी दुश्मन है, जो तुम्हारी पीठ में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में चाकू मारेगी और तुम्हारा सबको छीन लेगी। और हाँ, आप सब लोग, आप जिस लड़की को अपने घर में पनाह दे रहे हो ना, असल में ये लड़की, लड़की नहीं, एक जहरीली नागिन है जो आपके हर मेंबर को डस रही है।
और हाँ ताई जी, बहुत नाज और फक्र है ना आपको अपने इस घर पर, घर के लोगों पे। बट डोंट वरी, वो दिन दूर नहीं जब ये लड़की आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है, प्लीज इसकी बातों पर यकीन मत करना। चुप हो जाओ, ये अपना बदला लेने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है। हिलो मत, चुपचाप खड़ी रहो वरना ये देख लूंगा। देख लूंगा। पारी, पारी। शैली, प्लीज नीति को छोड़ दो, हम लोग बैठ के आराम से बात करते ना। नहीं पारी, उसे। नहीं, आज बैठ के बात करने का दिन नहीं है। आज इसे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, तभी तो आप सबको यकीन होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और यह झूठ।